इंडिया टीवी आपकी आवाज। दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में एक और घोटाला सामने आया है। कॉमनवेल्थ गेम्स लूट का अड्डा बनता जा रहा है। हर दिन नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। नया घोटाला है ट्रेडमिल को लेकर। सप्लायर्स बाजार से 1,00,000 रुपए में किराए पर ट्रेडमिल ले रहे हैं और उसे 10 गुने रेट पर कॉमनवेल्थ गेम्स में सप्लाई कर रहे हैं। अब सवालों के घेरे में खड़ी कलमाडी एंड कंपनी को जवाब देना है। नया दिन नया घोटाला। कॉमनवेल्थ गेम्स में बन रहा है घोटालों का रिकॉर्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं। गेम्स के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबांट हो रही है। घोटालों की फेहरिस्त में नया मामला है ट्रेडमिल की सप्लाई का। ट्रेडमिल के सप्लायर्स ने बाजार से जिस ट्रेडमिल को 1,00,000 रुपए में किराए पर 45 दिनों के लिए लिया है, उसी ट्रेडमिल को कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,00,000 रुपए के किराए पर दिया गया है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस ट्रेडमिल की कीमत 4,00,000 रुपए है, लेकिन इसी ट्रेडमिल को गेम्स के कर्ता धर्ता 10,00,000 रुपए देकर भी किराए पर ले रहे हैं। अब आप ही सोचिए, जिस ट्रेडमिल को 4,00,000 रुपए में खरीदा जा सकता है, उसका किराया 10,00,000 देना कहां की समझदारी है। अगर खिलाड़ी इस ट्रेडमिल पर व्यायाम करके थक जाएंगे तो शायद थोड़ा आराम भी करेंगे। इसके लिए कलमाडी साहब और उनकी गैंग ने ऐसी कुर्सियां ली हैं जिसके हर पीस के लिए 8,378 रुपए किराया चुकाया गया है। यही नहीं, खिलाड़ियों को कोल्ड ड्रिंक से तरोताजा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर भी किराए पर लिए गए हैं, जिसमें से हर एक का किराया 42,202 रुपए है। खास बात यह भी है कि घोटालों के इस खेल में सब कुछ किराए पर लिया जा रहा है, यानी खेल खत्म होने के बाद कॉमनवेल्थ के लिए खरीदी गई सारी चीजों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि खेल के नाम पर जनता के पैसे को लूटा जा रहा है और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रही है। ये सारे सौदे गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से किए गए हैं, जिसके अध्यक्ष सुरेश कलमाडी हैं। अब कलमाडी साहब ही जवाब देंगे कि लूट का ये पैसा किस किस की जेब में जा रहा है, या यूं कहें कि लूट के इस खेल में कौन कौन भागीदार है। और हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं। भास्कर, अब ऐसा लग रहा है कि रोज किसी ना किसी लूट की खबर को हमें सुनना पड़ेगा। अब ट्रेडमिल की खरीद में 1-10 का मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, कुछ 2 दिन पहले जब सुरेश कलमाडी से इसके बारे में पूछा गया था ट्रेडमिल खरीदारी के बारे में, तो उन्होंने ये बताया था कि बीजिंग ओलंपिक्स में जो ट्रेडमिल इस्तेमाल हुए थे, तकरीबन 29,00,000 रुपया इसकी कीमत है और इस लिहाज से वो 10,00,000 रुपए किराए पर ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा डील है उनके लिए। लेकिन वही अब खुलासा सामने हुआ है कि लोकल मार्केट से खरीदा गया है जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है और उनको लिया गया है 10,00,000 रुपए किराए में। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ एक बानगी है। आप तमाम तरह के लिस्ट देख लें, वहाँ रेफ्रिजरेटर देख लें, लिक्विड सॉप देख लें, मॉस्किटो रिपेलर देख लें, जी आप नाम ले लीजिए और हर चीज में आपको घोटाला सामने आएगा। जितनी कीमत नहीं है सामान की, उससे ज्यादा किराए दिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग हैं वो सीधे रूप से इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूछा भी गया था इसमें सुरेश कलमाडी से, तो उन्होंने ये बताया था कि ये वर्ल्ड क्वालिटी के हैं और ये जो ओलंपिक्स में इस्तेमाल होते हैं उस तरह के ट्रेडमिल हैं, लिहाजा हमने 10,00,000 रुपया किराया दिया। जबकि अब वो पूरा साफ झूठ सामने दिख रहा है कि 1,00,000 रुपये में लोकल मार्केट से लिया गया और वही 10,00,000 रुपये किराए में इनको दिया गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ बड़े रसूखदार लोग भी शामिल हैं जिनकी ये कंपनियां हैं और उनसे साठ-गांठ करके करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर दिए गए हैं जी। और भास्कर, ऐसा तो नहीं लगता है कि सप्लायर्स ने तकरीबन 1,00,000 के रेंट पर 45 दिन के लिए इन्हें मार्केट से उठाया और 10,00,000 यानी 1 का 10 करके कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सप्लाई किया और किसी को भनक भी ना लगी हो? निश्चित रूप से देखिए, इसमें भनक लगने वाली बात नहीं है, ये पूरा सब कुछ सबके जानकारी में है, उसके बाद ये हुआ है। निश्चित रूप से मैं एक अनऑफिशियल कोर्ट जो मेरे सामने हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से जुड़े हुए लोगों का ये कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा हुआ एक चपरासी भी आज की डेट में लखपति हो गया है, इतना पैसा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो निश्चित रूप से जो इस बात को लेकर तारीफ कर रहे थे कॉमनवेल्थ में जुड़ने से कि हम कॉमनवेल्थ में जुड़ के बहुत अमीर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबको पता है कि किस तरह घोटाला हो रहा है और किस तरह से बंदर बांट किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक एक लोगों के सामने में ये बात थी, उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है।
जी, और भास्कर जिन ट्रेडमिल्स को कहा जा रहा है कि बीजिंग ओलंपिक्स में इस्तेमाल किए गए उस तरह के ये ट्रेडमिल्स हैं, 29 लाख इनकी कीमत बताई जा रही है, उनकी मार्केट में अब जब पता लगाया जा रहा है तो कीमत तकरीबन 4 लाख की ही है। बहुत बड़े घोटाला है और कई घोटाले सामने आ रहे हैं जैसे आप लगातार बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉमनवेल्थ में लगातार घोटाले की खबरें सामने आने के बाद सुरेश कलमाडी अब चारों तरफ से घिर गए हैं। लंदन की कंपनी एएम फिल्म्स को क्वींस बेटन के लंदन के कार्यक्रमों से जुड़े कामों का ठेका दिए जाने की सिफारिश के पक्ष में कलमाडी की तरफ से पेश किए जा रहे ईमेल पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ये ईमेल फर्जी बताया जा रहा है और इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है। कलमाडी का दावा है कि उन्हें लंदन के भारतीय उच्चायोग से ये मेल मिला है, लेकिन उच्चायोग ने इसका खंडन किया है। कलमाडी इसी सिलसिले में कल विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से भी मिले, जहां उन्हें लंदन हाई कमीशन से भेजा गया असली ईमेल दिखाया गया और असली ईमेल में किसी कंपनी की सिफारिश नहीं की गई। जांच कमेटी में आयोजन समिति के सीईओ जर्नैल सिंह, विशेष महानिदेशक वित्त जीसी चतुर्वेदी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर गुरजोत कौर शामिल हैं। The secretary told me how much money you can spend to get the things done. The secretary told me how much money you can spend to get the things done. सुना आपने, ये कॉमनवेल्थ का सच एक बार फिर सुनिए। The secretary told me how much money you can spend to get the things done. The secretary told me how much money you can spend to get the things done. पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में घूसखोरी का खुलासा हुआ है। The secretary told me how much money you can spend to get the things done. ये है कोलकाता के फिल्म निर्माता श्यामली बनर्जी। श्यामली ने सुरेश कलमाडी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। श्यामली कॉमनवेल्थ खेलों के साथ साथ एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित करना चाहती थी। फिल्म फेस्टिवल की इजाजत सुरेश कलमाडी को देनी थी। कलमाडी ही कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन है। मगर जब श्यामली सुरेश कलमाडी के दफ्तर पहुंची तो सुनिए कलमाडी के सेक्रेटरी ने कैसे सीधे रिश्वत की मांग कर दी। एट द एंड ऑफ जून मैं मिस्टर कलमाडी को फ़ोन किया। उस टाइम उन्होंने पुणे में था तो बोला जी क्या मैं 2-3 दिन अंदर मैं दिल्ली पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपका प्रपोजल जो है मैं एक बार आई गो थ्रू इट। इसके बाद मैं देखा जो वो फाइल का चक्कर ही चल रहा है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो बोला जी अल्टीमेट गो आइट सिग्नल हैज टू कम थ्रू मिस्टर कलमाडी। इन द मिडल ऑफ सेप्टेम्बर मैं फोन किया सेक्रेटरी मिस्टर कलमाडी के ऑफिस में फोन किया तो बोला आप आ जाइए। मैं सोचा कि मिस्टर कलमाडी के साथ भी मीटिंग होगा, उन्होंने शायद ही इज प्रेजेंट देयर द ऑफिस, सो आई जस्ट रश टू द ऑफिस एंड देयर आफ्टर आई वाज टोल्ड दैट द सेक्रेटरी टोल्ड मी हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड गेट द थिंग्स डन। अब तक कॉमनवेल्थ में भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, लेकिन पहली बार सीधे सीधे किसी ने कॉमनवेल्थ के कर्ता धर्ता सुरेश कलमाडी पर घूस मांगने का आरोप लगाया है। अब इस आरोप पर सुरेश कलमाडी की सफाई का इंतजार है। अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी, कोलकाता। तो ये पहला आरोप नहीं लग रहा है, कई घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं। घोटालों की फहरिस्त सामने आने के बाद रेलवे ने कॉमनवेल्थ गेम्स को दिए जाने वाले पैसे पर रोक लगा दी है। रेलवे ने साफ साफ कहा है कि कमीशन का खेल बंद होने पर ही वो गेम्स के लिए रुपए देगी। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को अब तक सबसे बड़ा धक्का रेलवे ने दिया है। रेलवे ने गेम्स के लिए दिए जाने वाले अपने 100 करोड़ रुपए को रोक दिया है। रेलवे ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को साफ साफ कहा कि उसकी सहयोग राशि का एक भी पैसा किसी भी कंपनी को कमीशन के तौर पर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए रेलवे ने कमेटी से लिखित अंडरटेकिंग की मांग की है। दरअसल रेलवे ने गेम्स के लिए अपने बजट में तो सहयोग राशि का ऐलान नहीं किया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि रेलवे गेम्स के लिए 100 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था। इस बाबत गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बात भी हो गई थी, लेकिन जब कमेटी ने सिंगापुर और मेलबर्न बेस्ड कंपनी से किए गए अपने समझौते की शर्तों का खुलासा करने से मना कर दिया तो रेलवे ने अपने पैसे को रोक दिया। चलिए, ये तो थी कॉमनवेल्थ खेलों की 420।